पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर के नाम पर नौकरी लगाने को लेकर धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपए ठगी करने का मामला बीकानेर में सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीएसएफ यूनिट में पोस्टिंग पर तैनात था, लेकिन लंबे समय से बीएसएफ से ड्यूटी से गैर हाजिर बताया जा रहा है। नागौर के मिठरी गांव के रहने वाले सुनील कुमार कड़वासरा ने नया शहर थाने में 2 दिन पहले मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया था कि कोलायत के दातोड़ी निवासी प्रीतदान रत्नू, हरपाल माड़िया, आशु सिंह, राकेश भौमिक और पीयूष अग्रवाल व दिलीप ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। वह खुद को बीएसएफ जवान और पुलिस महानिदेशक से अच्छी जान पहचान होने की बात कहते हुए नौकरी दिलाने का लालच दिया करता था। परिवादी ने अपने जीजा पवन की भी नौकरी लगाने की बात कही, इस पर उससे 5,62,900 रुपए भी लिए। पुलिस थाना नया शहर पे 373/2022 3-9 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एमएल लाठर साहब के नाम पर एक ठग ने जो है आरोपियों परिवादी को झांसे में लेकर पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 5,62,000 रुपए ठग लिए। मुख्य आरोपी प्रीतदान चारण को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बीएसएफ का कांस्टेबल है भगोड़ा। पूर्व में इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार की रही है कि बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के नाम लेकर ट्रांसफर कराने के नाम पर और भर्ती कराने के नाम पर इसने छोटी छोटी ठगियां की। उसमें सफल रहने पर इसने जो है माननीय महानिदेशक महोदय का झूठा नाम लेकर पीड़ित को जो है अपने झांसे में फंसाया और उससे 5,62,000 रुपये जो है वो भर्ती कराने के नाम पर ठगी की है। ना तो नौकरी लगी, ना ही रुपए वापस लौटाए गए। इसके बाद आरोपी तालम टोल करने लगा। कुछ दिनों बाद जब काम न हो पाने की स्थिति में पैसे मांगे तो आरोपी भड़क गया और कहा कि अपने पैसे भूल जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद फोन अटेंड करना भी बंद कर दिया। बीकानेर से पंजाब केसरी के लिए आनंद आचार्य की रिपोर्ट।